अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब भी हो रहे हैं दोपहर के 3, यानी दोपहर का टाइम है। और जो है हमारे यहाँ गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, देख रहे होंगे आप, मैं धूप में खड़ी हूँ, लेकिन गर्मी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अब जो है गाँव में मौसम ठीक होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारे यहाँ परसों भी बारिश हुई थी और कल भी मौसम अच्छा था। आज भी सुबह से ही मौसम बहुत ही प्यारा है। तो अभी अभी मैं आई थी बाहर, मैं जो है कुछ गिफ्ट्स मेरे लिए आया था, ये वाला ये गिफ्ट मेरे लिए कल आया था, शाम में हमें रिसीव हुआ था। तो मैंने कहा ये आप लोगों से शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है। तो इसे ही खोलना था, सोच रही हूँ कि कहाँ पे खोलूँ। फिलहाल तो मैं आ गई हूँ चाचा जी के घर में, कैंटीन में खोलो। फिर वो कह रहे हैं आप कैंटीन खोली खड़ी हो आज। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ पे खोलूँ, यहीं पे खोल लूँ या पीछे एक चरपाई जहाँ पीछे में वहाँ पे खोल लूँ। तो मैं तो कह रही हूँ जाके आराम से बैठ के खोल लेते हैं, यहाँ पे खड़ी हूँ। धूप पड़ी आँखों में, धूप भी पड़ रही है, गर्मी तो नहीं है लेकिन ये सूरज आँखों में हो रहा है। वहीं पे खोल लेते हैं, वहीं बैठ के खोल लेते हैं, चलो। तो अभी हम लोगों ने जो है चटपाई बाहर आके बिछाई है घर से बाहर, और यहाँ पे बैठ गई हूँ और ये गिफ्ट खोलने जा रही हूँ। वैसे इसका शॉपर जो है मैं ऊपर से कैंची से काट के ही आई थी, पहले मैंने कहा कि कैंची बाहर कहाँ लेके जाऊँ। तो अभी इसे खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये गिफ्ट मेरे किसी व्यूवर्स ने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भेजा इतनी दूर से और मेरे बारे में इतना सोचा कि गिफ्ट भी हमें कोई भेजना चाहिए। वैसे मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा, उनका बहुत ही ज़्यादा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप लोगों को भी खोल के दिखाती हूँ कि इस गिफ्ट के अंदर है क्या। तो ये है गिफ्ट, पहले आप लोग ऐसे ही देख लें। इसमें आपको ऊपर से कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि इसमें जो है मेकअप का सामान है, और अब इसमें मेकअप में क्या क्या है ये भी आपको अभी खोल के ही दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने ये पैक सिर्फ ऊपर ऊपर से खोला है, अंदर से खुद भी नहीं खोला कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ ही देखूंगी। पहला पैकेट ओपन हो गया है और इसके अंदर जो है सारी की सारी सुर्खियाँ हैं, देखिए कितनी लिपस्टिक। जी हाँ, यहाँ कोई सीधी जगह भी नहीं, नहीं तो यहाँ कोई सीधी सीधी खड़ी करके दिखाती। देखें ऐसे रख देती हूँ, ये अलग अलग सुर्खियाँ हैं, अलग अलग रंग की, और कंपनियाँ भी आई थिंक अलग अलग हैं। ये 3 एक कंपनी की है, 2 एक कंपनी की है, और ये वाली क्या है, ये भी मेरे ख्याल में सुर्खियाँ हैं, सुर्खियों के साथ जो रखी हैं। पता नहीं, तुम ही देखो। हाँ ये सुर्खी है, ये भी लिप बाम ऐसी कुछ है। तो ये हो गई सारी की सारी सुर्खियाँ। अब जो है दूसरा पैकेट खोलती हूँ और उसमें दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो ये पैकेट भी खुल गया और इसके अंदर है पहले तो ये वाला छोटा बॉक्स, ये मेरे ख्याल में फेस पाउडर है, क्योंकि इन चीज़ों के नाम मुझे खुद ज़्यादा नहीं पता कि किसे क्या बोलते हैं, बस ये है कि पता है ये लगती कैसे हैं। तो ये हो गया फेस पाउडर और इसके अंदर एक ये वाली आई शेड है, और इसके साथ एक ये है छोटी सी, इसमें क्या है। तो ये भी आई शेड्स हैं अलग अलग रंग की। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। अभी तो सिर्फ मैंने 2 पैकेज खोले हैं और माशाल्लाह मुझे सारी की सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बंद कर दीजिए ना ये साथ साथ में, ख़राब हो जाएंगे। और अभी ये एक पैकेट बाकी है और ये पैकेट तो फुल है, इनसे भी ज़्यादा इतनी चीज़ें इसके अंदर और भी लग रही है मुझे। तो ये भी खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। वैसे मेरा ये ब्लॉग मेरी वो सिस्टर भी देख रही होंगी जिन्होंने मुझे ये भेजा है, तो एक बार फिर से उनका बहुत शुक्रिया कि इतने प्यारे प्यारे मेकअप की चीज़ें उन्होंने मुझे भेजी हैं। तो ये मेरा लास्ट पैकेट भी खुल गया है और इसके अंदर देख लें आप चीज़ें, बस आप ऐसे ही देख लें और खुद पढ़ते जाएं। ज़्यादा चीज़ों को तो नाम भी मुझे सही से नहीं पता है, तो अब मैं आपको कुछ गलत बता दूँ, इससे तो बेहतर ये कि मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये मेरे ख्याल में गोंद है, आईब्रोज कांट, पर जो भी है आप लोग देख लें, मुझे सही से समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब ये जो है मैं खुद कहीं पे सर्च वगैरह करूँगी, इसे ट्राई करूँगी तो वैसे ज़्यादा समझ में आएगा। एक हो गया ये फिलहाल सील है, ऊपर से बंद है। ये वो है, इसे फाउंडेशन इसके ऊपर लिखा है, मैंने पढ़ लिया। ये दोनों फाउंडेशन है, ये स्पंज,
ये मेरे पास पहले भी है, वो पहले मैंने एक दफा मेकअप करवाया था तो आप लोगों को शायद पता हो, देखा ही होगा आप लोगों ने मेरा जो पार्टी मेकअप था उस वो वाली भी मेरे पास पड़ी है, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और ये बहुत ही प्यारी हैं, छोटी छोटी हैं। ये आई थिंक मैं यूज़ कर सकती हूँ घर के लिए कभी कभी, घर के लिए हाँ कभी कभी, जैसे बंदा कहीं जाता है कभी तैयार होता है फंक्शन के लिए यूज हो, ये होती है। हाँ वही तो कह रही हूँ, कभी कहीं जाता है ना तो वैसे यूज कर सकते हैं। ये पहन के फिर कपड़े धोना, घर के काम करना ये सारा मेकअप करके मैं मशीन लगाऊंगी वॉशिंग मशीन बेस्ट रहेगा तो ये तो हमारी मजाक की बातें, इसे छोड़ो। सारा मेकअप मैंने आप लोगों को दिखा दिया और माशाल्लाह से इसमें हर एक चीज है जो मेकअप में यूज होती है। फिलहाल मुझे इसका यूज करने का ज्यादा तरीका नहीं आता, लेकिन ये भी मैं सीख जाऊंगी। और क्या है कि अब मेकअप आ गया तो मेकअप का तरीका भी सीख जाऊंगी। तो माशाल्लाह से मुझे तो मेकअप बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोगों ने बताना है कि इसके यूज कैसे करते हैं। कुछ लेडीज मेरी फ्रेंड्स हैं, वो देख रही होंगी, उन्हें तो मेकअप भी आता है तो वो भी मेरी हेल्प कर देना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे बताना कि इसे किस तरह से यूज़ करते हैं और मैंने इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी भी। तो ये है मेरा सारा का सारा मेकअप, मैंने आपको कहा था मैं इसे खड़ा करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ आप मैंने सेट करके रखी है और कितनी प्यारी लग रही है। और इसका जो यूज़ है, यूज़ भी मैंने बहुत जल्दी करना है और यूज़ करके आपको बताऊँगी कि ये मेकअप किस तरह का है और कैसा है, मतलब अच्छा है या नहीं है। तो ये भी मैं बहुत जल्दी यूज़ करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके पहले तो मैंने हानियों को नहलाया और उसे साफ़ सुथरा किया, क्योंकि मैं तो बाहर होती हूँ तो वो मिट्टी से खेलती है और खेलते खेलते बहुत ही गंदी हो जाती है। तो पहले आके उसे तैयार किया और उसके बाद आके मोहम्मद सुहान को तैयार किया है। तो दोनों बेबीज़ तैयार हो गए, हानिया फिर से खेल चली गई और मोहम्मद सुहान जो है खेल रहा है, बस ऐसे ही हाथ पाँव मार रहे जैसे खेलते हैं बच्चे। और आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट थे कि आप लोग मोहम्मद सुहान का फेस रिवील करें, क्योंकि अब तो महीना भी हो गया है। तो हमने आपको कहा था कि हम जो महीने डेढ़ महीने बाद मोहम्मद सुहान का फेस रिवील करेंगे, तो इस बात पे भी हम लोग कायम हैं। तो जिसका फेस रिवील बहुत ही जल्द करेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो हम लोगों ने तो वैसे सोचा है कि इसी हफ्ते में या एक डेढ़ हफ्ते के बाद करेंगे, यानी 40 दिन कम्प्लीट होते ही हम इसका फेस रिवील कर देंगे। तो आप लोगों को भी अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने भी सोच लिया और हमारा पक्का इरादा है इसका फेस रिवील करने का। और फिलहाल दिन डिसाइड नहीं है कब करना है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों को मोहम्मद सुहान से मिलवाएंगे, उसे दिखाएंगे, तो आप लोगों को भी पसंद आएगा। छोटे बेबी तो हर किसी को बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप लोगों को भी बहुत ही क्यूट लगेगा, जैसे हमें प्यार लगता है वैसे आप लोगों को लगेगा। जो मोहम्मद सुहान हानिया का भाई, बिल्कुल हानिया जैसी है वैसा ही मोहम्मद सुहान है, आप इसी से अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो अभी जो है मोहम्मद सुहान उएं कर रहे हैं, आप लोगों को भी आवाज़ आ गई होगी, अपनी मम्मा को बुला रहा है। तो मैं भी जाती हूँ और इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी बात हो आप लोगों को मेरी बुरी लगती है तो वो भी कमेंट में ज़रूर कर दें। तो क्योंकि मेरा तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती होती हूँ, तो कमेंट में जो भी आप लोगों के दिल में बातें आप लिख रहे हैं मैं इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूंगी और आप लोगों से इसका जिक्र करूंगी। तो आज की वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।